झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लेस। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पिछले दो कारोबारी सत्रों में रुपए में गिरावट के बाद आयात महंगा होने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों एवं मूंगफली तेल, तिलहन सोयाबीन तेल और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट आई है। अधिक भाव पर मांग कमजोर होने से कच्चा पामोलियन और पामोलियन तेल कीमतें पूर्व स्तर पर ये बंद हुई। साधारण मांग के बीच सोयाबीन तिलहन के भाव भी पूर्व स्तर पर बंद हुए हैं। वहीं बाजार सूत्रों ने बताया है कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.34% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 0.5% की गिरावट थी। लेकिन बाजार में खाद्य तेलों में आई गिरावट शिकागो एक्सचेंज की वजह से नहीं है, बल्कि ऊंचे भाव पर मांग प्रभावित होने के कारण आई है। पिछले दो कारोबारी सत्रों में रुपए में गिरावट रहने से आयात महंगा हो गया है, जिससे गिरावट को बल मिला है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि सरकार को तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो हमें सही मायने में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा और इससे विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। किसानों को अच्छे दाम मिले तो वह खुद ही उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं सूत्रों ने यह भी कहा है कि विदेशों में यदि खाद्य तेलों के भाव लुढ़कते हैं तो ऐसी स्थिति में भी सरकार को अपने किसानों के बचाव में उतरना होगा और स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखनी होगी। ऐसा करना तिलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे उपायों से किसानों का भरोसा बढ़ेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि विदेशी तेल के महंगे होने के बाद जिस तरह से सरसों का रिफाइंड बनाने पर जोर है, उससे आगे जाकर सरसों के मामले में दिक्कत आ सकती है और इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हाफेड बाजार भाव पर खरीद पर सरसों का स्टॉक तैयार करे, जो आगे जाकर संकट के समय में उनकी मदद करेगा। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।